नमस्ते, स्वागत है आपका स्पाइस बॉक्स में। रोज सुबह के नाश्ते में इडली खाने से आप बोर हो गए होंगे, क्या आपको इस रूटीन से बदलाव चाहिए? आज के स्पाइस बॉक्स में मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं एक बहुत ही स्वादिष्ट, सेहतमंद और पौष्टिक ऑप्शन आपकी रेगुलर इडली के बदले। आइए आज देखते हैं कैसे बनाते हैं ओट्स इडली। ये मैं बना रही हूँ ओट्स, दही और रवे के साथ। ओट्स इडली बनाने की सामग्री इस प्रकार है: ओट्स, रवा, दही, मटर, बीन्स, कसा हुआ गाजर, तूर दाल, उड़द दाल, काजू, जीरा, राई के दाने, धनिया पत्ता, हरी मिर्च, अदरक, नमक, हिंग, बेकिंग सोडा, कड़ी पत्ता। एक पैन लेकर उसमें तेल गरम करूंगी, उसमें डालूंगी राई के दाने, जीरा, उड़द दाल, तूर दाल, थोड़ी हिंग, थोड़ा अदरक, अब डालूंगी हरी मिर्च, काजू, काजू को भून लीजिए जब तक कि ये ना हो जाए गोल्डन ब्राउन। इसमें डालूंगी थोड़ा रवा, अच्छे से रवे को भून लीजिए। अब इसमें थोड़े ओट्स डालूंगी मैं। ओट्स को पहले से ही पीस के एक पाउडर फॉर्म में किया हुआ है। ओट्स और रवा बहुत ही अच्छी खुशबू दे रहे हैं। अब इसमें डालूंगी थोड़ा नमक। एक बार ये अच्छे से भुन जाए तो इसे ठंडा होने के लिए बाजू पे रख देंगे। अब ये ठंडा हो चुका है। अब इसमें डालूंगी थोड़ी सब्जियां, बीन्स, मटर, कसा हुआ गाजर, अब इसमें मैं मिलाऊंगी थोड़ा दही, सबको अच्छे से मिलाइए ताकि इडली बैटर के लिए गाढ़ा हो जाए। एक बार आप सब मिला लें तो इसे 5 से 6 मिनट के लिए बाजू पे रखिए। अब इसे बाजू पे रखूंगी 10 मिनट के लिए ताकि ये अच्छे से भीग जाए। ये मिश्रण अच्छे से भीग चुका है। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़े धनिया पत्ते, अब इसमें डालूंगी थोड़ा बेकिंग सोडा, एक इडली प्लेट लूंगी, इडली बैटर वेसल के बेस पे चिपके ना इसलिए हम उसे तेल से चिकना कर लेंगे। इडली बैटर अब इसमें रखेंगे। इडली कुकर में ये इडली की प्लेट रख दूंगी मैं। अब इसे हम पकने देंगे लगभग 10 से 15 मिनट के लिए। 10 मिनट अब हो चुके हैं। ओह, इडली अब तैयार है। आपने अभी देखा कैसे बनाते हैं ओट्स में से इडली। ओट्स अपने शरीर के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा है। ओट्स में है ऐसी शक्ति जिससे अपने हृदय और किडनी को चुस्त रखने में मदद मिलती है।
अगर आप अपनी उड़द दाल इडली खाकर बोर हो गए हैं तो बनाइए ये ओट्स इडली और मजे करिए।